श्री केशव प्रसाद मौर्य। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय राज्यपाल महोदय जी के द्वारा जो अभिभाषण सदन के सामने रखा गया, जिसके समर्थन में डॉक्टर मंजू सुहास जी ने प्रस्ताव रखा, उनके समर्थन में मैं बोलने के लिए खड़ा हुआ। अभी मैं बड़े ध्यान से नेता प्रतिपक्ष पूर्व मुख्यमंत्री समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की बातें सुन रहा था। मुझे लगता है कि पूरा उत्तर देंगे तो बहुत देर तक आपको सुनना पड़ेगा, लेकिन कुछ बातें मैं शुरू में जरूर कहना चाहूँगा। निश्चित तौर से नेता सदन को इस बात का बहुत दर्द होगा, 2012 में जब ये सरकार में आए थे, मैं भी सदन का सदस्य था, मैं भी सामने बैठा था, इधर बैठते थे। लेकिन 2012 के सरकार बनने के बाद जब 2014 का लोकसभा चुनाव होता है, उस समय अपने काम के बल पर दावा किया गया था कि उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ करेंगे और समाजवादी पार्टी प्रदेश के साथ देश में भी सरकार बनाएगी। अगर इनके कार्य तनिक भी अच्छे हुए होते, जिसका बड़ा गुणगान इतनी देर से मैं घंटे भर से सुन रहा हूँ, आप भी सुन रहे हैं, पूरा सदन सुन रहा है, पूरा प्रदेश सुन रहा है, और उसके गुणगान का उसका जवाब जनता ने दिया। जनता ने क्या जवाब दिया? सुपड़ा साफ हो गया समाजवादी पार्टी का। मैंने सुपड़ा साफ हो गया समाजवादी पार्टी का। उसके बाद बड़े दावे किए जा रहे, 14 में हारने के बाद 2017 का विधानसभा चुनाव आया, तो 5 वर्ष की उपलब्धियां जिसको आप गिनाते हुए थकते नहीं। मैं नहीं जानता हूं ये आपको कौन सा रोग है, अगर कोई रोग है मैं कहूंगा आप जांच नहीं कराएंगे। लेकिन मैं माननीय अध्यक्ष जी से जरूर यह निवेदन करूंगा, माननीय नेता प्रतिपक्ष जी जहां से भी चाहे ठीक से इलाज करा ले, और इलाज करा करके जो भी योजनाएं आती, हर योजना को एक स्टिकर जैसे समाजवादी पार्टी का चस्पा करके अब इस रोग से मुक्त हो जाइए। 5 साल बाहर रह गए, 5 साल के लिए फिर बाहर हो गए हैं, आने वाले 25 साल तक अभी आपका नंबर लगने वाला नहीं है। आप कोई अच्छा सुझाव, दावे करना, बातें करना, मैं समझ सकता हूं कि आप, मैं पूछ रहा था किसी अपने बहुत मेरे अच्छे साथी हैं, बहुत सारे ज्योतिष का ज्ञान रखते हैं, मैंने पूछा क्या है भैया बताइए, अखिलेश जी 400 सीटों का दावा कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा देखिए अभी तक मेरे हिसाब से होगा आपका कि वहां नहीं बैठ पाओ कभी भी। मेरे हिसाब से मैं आप माननीय नेता प्रतिपक्ष जी को मैं बताना चाहता हूं, सदन नेता प्रतिपक्ष जी को बताना चाहता हूं, आप चिंता मत करिए, आपकी बहुत कोशिश के बावजूद हमारे मुख्यमंत्री योगी जी वहां बैठे हैं, केशव प्रसाद यहां बैठा, और यह सदन पूरा भाजपामय है। और इसके बाद मैं एक अपने बताया ज्योतिषी मित्र से मैंने पूछा कि भाई बताइए समाजवादी पार्टी के मुखिया जो है लगातार 400 सीटें जीतेंगे ऐसा दावा कर रहे हैं, क्या वास्तविकता क्या है? हम लोग तो जमीन पे देख रहे थे कि समाजवादी पार्टी कहीं अता पता नहीं है, लेकिन जो पता चला वो भी मैं जानता हूं, शायद मैं सदन में बोलूंगा। अरे इतना मत देखिए, शांत सुन लेंगे नेता प्रतिपक्ष को, आप सब लोग शांत हैं, थोड़ा आप भी सुन लेंगे तो अच्छा रहेगा। चुनाव शांत रहिए, 400 सीटों का दावा कर रहे थे, अब 400 सीटों का दावा करते करते 113 में सिमट गए। अब अभी आरोप लगा रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी यानी सरकार केवल जातियों और धर्मों में नहीं बल्कि विपक्ष में भी भेद डालती है। अब ये मत कहना कि अगर आपके यहाँ कोई फूट पड़ जाए, कोई अलग हो जाए, तो हमारे ऊपर आप आरोप लगाए कि हमने ऐसा कर दिया है। आपको यह करने की आवश्यकता नहीं है, आप अपना परिवार अपनी पार्टी को आप अपने वहां के अभी आप संभालिए, मैं कह रहा हूं ना संभालिए, बहुत सारे लोग मेरे संपर्क में आ चुके हैं,
मेरे बहुत सारे संपर्क का चुके, उधर कुछ खाली ना हो जाए इसकी चिंता करिए। इसलिए मैं आपके सामने माननीय अध्यक्ष जी आपके माध्यम से यहाँ कहना चाहता हूँ, इस बार का विधानसभा चुनाव बड़ा रोचक था। मैं वास्तव में आश्चर्य करता था कि अगर एक बार का दावा 2014 का जो आपने किया था, मैं सुनता था उसको, मैं इसी सदन में बैठा था और संयोग से उस समय मुझे उस राजनीति में पहली बार मैं विधानसभा में आया था और उस समय आया था जब समाजवादी पार्टी की लहर थी, उस सीट से आया था जिसके आपको बड़े गुणगान दिखाई दे रहे हैं, उसकी मैं जानता हूँ क्या स्थिति है। लेकिन आप भरोसा रखिए, आपको 25 साल तक केशव प्रसाद सत्ता में आने नहीं देगा। आप विपक्ष, आप श्री अखिलेश जी हमारे बड़े अच्छे, आपको मैं पसंद करता हूँ। अध्यक्ष बोले हम आ पाए ना आ पाए, ये हमारे माननीय सदस्य लोक भवन में कब बैठ पाएंगे? लोक भवन, लोक भवन में तो कमल खिल चुका और वो कमल खिला रहे। और देखिए माननीय अध्यक्ष जी, साइकिल पंचर हो गई है तो अब पंचर का ठीक कराने की जो आपकी साइकिल है उसको शायद उत्तर प्रदेश जनता ठीक करेगी नहीं, इसलिए मैं लोक भवन में कब बैठूंगा? लोक भवन में हम लोग, ये पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर रहे, ये भूल गए इनके जिले की मुख्यालय की सड़क किसने बनाई? आपने बनाई, बताइए बताइए, फोर लेन किसने बनाई, बताइए। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आप कृपया करके आपस में डिबेट नहीं करें, कृपया करके नेता प्रतिपक्ष पूर्व मुख्यमंत्री जी को ये बता दीजिए, ये 5 साल सत्ता में नहीं रहे, आगे 5 साल के लिए फिर विदा हो चुके हैं, 2027 में चुनाव आएगा। मैं तो यह मानता हूं कि फिर कमल खिलेगा, फिर आपका अभी कोई भविष्य समय नहीं है, लेकिन सड़क किसने बनाई है, एक्सप्रेस किसने बनाया है, मेट्रो किसने बनाई है, जैसे लगता है आपने सैफई की जमीन बेच करके ये सब बनवा दिया है। तुमने घर के, तुमने पिताजी से पैसा लाते हो बनाने के लिए, तुमने राशन बांटा है तो पिताजी ने क्या बात है? आप भी बैठिए, जवाब हो गया, उन्होंने दे दिया, आप बैठिए, आप हो गया जवाब, वो नेता है ना माननीय अखिलेश जी ने दे दिया, आप बैठिए, आगे बातचीत चलने दीजिए, बैठिए। नहीं कड़वी बात अगर कही है तो कड़वी बात सुनिए, मैंने दोनों बात, आपने भी कड़वी बात कही, उन्होंने कड़वी बात की, आप सुनिए, बैठिए मनीष सिंह जी बैठिए, आप भी बैठे, सब लोग बैठे। अध्यक्ष जी, एक घंटे से अधिक, एक अच्छा माननीय अध्यक्ष जी, नेता सदन खड़े हैं, मान्य आप अनुमति दे चुके हैं, उसके बाद ये शोर शराबा ठीक नहीं है, ये उचित बात नहीं। अध्यक्ष जी, एक घंटे से अधिक पूरा सदन माननीय नेता प्रतिपक्ष को सुनता रहा, बड़ी शालीनता के साथ उन्होंने अपनी बात कही, विपक्ष के नेता का जो दायित्व था उन्होंने अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया, हम लोगों ने सुना। इस सदन में और सरकार के उप मुख्यमंत्री अपनी बात को रख रहे हैं, बीच में रनिंग कमेंट्री का मतलब क्या है? और दूसरा, एक सम्मानित नेता के खिलाफ असभ्य शब्दों का प्रयोग हो, तो शब्द का प्रयोग हो, मैं बड़ी विनम्रता से कहूंगा नेता प्रतिपक्ष को कि आपको इतना उत्तेजित नहीं होना चाहिए। देखिए, सफाई की बात नहीं कर रहा हूं मैं, सवाल सफाई का नहीं है, हम देखिए, हम लोग भी जो विकास कार्य करा रहे हैं या
आपकी सरकार के समय जो विकास कार्य हुए होंगे ये हमारी ड्यूटी थी। सरकार सरकार होती है और हर सरकार को अपनी उपलब्धि को कहने का अधिकार है। माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने बिल्कुल सही कहा कि विकास आपने कहा, आप विकास की जब चर्चा हुई तो उन्होंने जो बातें कही बिल्कुल ठीक ठीक ढंग से की थी। आपके यहां के दूसरे नेता या जब माननीय उप मुख्यमंत्री का यहां पर भाषण संपन्न होता उसके बाद अपनी बात आप लोग कह सकते थे। लेकिन देखिए, मैं कल भी देख रहा था, कल माननीय वित्त मंत्री जी यहां पे जवाब देने के लिए खड़े हुए, उन पर जिस तरीके की भाषा का प्रयोग उस समय किया गया, आज फिर हम देख रहे हैं। देखिए, लोकतंत्र में हर सदस्य को सदन में अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है और अगर आप कहेंगे तो कैसे इस बात की अपेक्षा रखते हैं कि इस पार से उसका जवाब नहीं मिलेगा। पूरे एक घंटे से अधिक समय तक पूरा सदन और खासतौर पर सत्ता पक्ष से जुड़े हुए सभी मान्य सदस्यों ने आपकी बात को बहुत ध्यान से सुना। देखिए, सहमत होना ना होना अपना विषय है, नहीं सवाल दूसरा नहीं। देखिए सिफाई भी इसी प्रदेश का हिस्सा। अध्यक्ष महोदय, सवाल ये नहीं है, मैं सुनने को तैयार हूं। अच्छा, मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं सिफाई भी तो इसी प्रदेश का हिस्सा है। नहीं सिफाई, देखिए भाषा आप उसको बाद में बोल सकते हैं। देखिए, हमारी सहमति असहमति हो सकती है, देखिए हमारी असहमति असहमति हो सकती है किसी बात पर, हम बाद में इस बात को करेक्शन करा सकते हैं, लेकिन तो मैंने शब्द का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए और किसी भी असभ्य भाषा का प्रयोग नहीं होना चाहिए। और मैं माननीय अध्यक्ष से अनुरोध करूंगा कि अगर इस प्रकार की शब्दावली प्रोसीडिंग का हिस्सा बन रही है, बनी है, तो कृपया उसको हटवा दें, क्योंकि ये गलत परंपरा होगी और मैसेज का देश के अंदर खराब जाएगा। हमें हमेशा इस बात को ध्यान में रखना होगा, सदन की मर्यादा का ध्यान हर हाल में बनाए रखना होगा। दूसरा, जब एक सदस्य बोल रहा हो तो सदस्य के बीच में, और खासतौर पर उप मुख्यमंत्री बोल रहे हो तो बीच में रनिंग कमेंट्री करना, बीच में धमकी देना, ये चीजें ठीक नहीं है और मुझे लगता है सदन की मर्यादाएं इससे आहत होती हैं। कोई भी इसको नहीं स्वीकार करेगा और मैं विनम्रता से कहूंगा माननीय नेता प्रतिपक्ष को, उनका सम्मान है, वे सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता हैं और मुझे लगता है कि इस मर्यादा की अपेक्षा केवल सत्ता पक्ष से ही न करें, विपक्ष भी उस मर्यादा का पालन करेगा तो दोनों का सम्मान बना रहेगा और यह सम्मान दोनों का बना रहे। देखिए, सहमति और असहमति लोकतंत्र की ताकत है, या आवश्यक नहीं, हम ये नहीं कहते हैं हमारी बात से सहमत हूं, या मैं ये भी नहीं कह सकता कि मैं आपकी बात से सहमत हूं। जब मेरी बारी आएगी, मैंने तो पूरे एक घंटे तक आपकी बात को सुना, मेरी बारी जब मेरे दल की ओर से मेरी बारी लगाई जाएगी, मैं उस दिन अपनी बात को यहां पर रखूंगा। मैंने आपके पूरे भाषण को इसीलिए सुना ही नहीं, प्रोसीडिंग मंगाऊंगा, फिर देखूंगा, उसका पूरा जवाब भी दूंगा यहां सदन पे, और मैं उम्मीद करूंगा कि सभी विपक्षी नेतागण उस दिन यहां पर हमारे बात को भी सुनेंगे। लेकिन एक सरकार के वरिष्ठतम नेता में से एक और उप मुख्यमंत्री जो लगातार दूसरी बार उप मुख्यमंत्री हो रहे हैं, उनके द्वारा अपनी बात को रखा जा रहा हो, मुझे लगता है शालीनता से हमें सुनना चाहिए। अगर हमें लगता है गलत हो रहा है, देखिए बहुत सारी चीजें, अगर हम भी इस बात को कहते, बहुत सारी चीजें नेता प्रतिपक्ष भी ऐसी थी जो आपत्तिजनक हो सकती थी, हमने सुना भाई, हमें जो स्वीकार करना होगा स्वीकार करेंगे और उसका जवाब देंगे भी, लेकिन बीच में इस तरीके की उत्तेजना दिखाना उचित नहीं है। देखिए, माहौल इससे खराब होता है और अनावश्यक रूप से बाहर मैसेज खराब जाता है। हमारे बारे में टिप्पणियां होती हैं, सदन के बारे में टिप्पणी होती है, हर एक सदस्य की मर्यादा भंग होती है और सदस्य की इसका सम्मान बाहर तार तार होता है, पब्लिक में इसका मैसेज खराब होता है और इस प्रकार की शब्दावली का प्रयोग ना हो। और अगर ये तो शब्द का प्रयोग हुआ है तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि कृपया इसको सदन की प्रोसीडिंग का हिस्सा कतई न बनाने दिया जाए, क्योंकि ये आने वाले समय में नजीर बनेगा, फिर यही होगा जो इससे पहले इस सदन में होता रहा है, उस चीज को हर हाल में रोकना होगा। और मैं आपसे विनम्र अनुरोध करूंगा कि ये रनिंग कमेंट्री, बीच में धमकी देना,
ये चीजें बंद होनी चाहिए। अच्छा होगा कि धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय जो बात अगर नेता सदन ने कहा कोई अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज या वर्ड्स आए तो उन्हें निकाल दिया जाए, मैं भी सहमत हूँ, लेकिन मेरा अध्यक्ष महोदय वही निवेदन ये भी है कि किसी को पर्सनल नहीं कहा जाना चाहिए।